नूतन वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और प्रसन्नता से लबालब भर दे आपकी जिंदगी को। 2016 का वर्ष एक अद्भुत वर्ष है। इस वर्ष में ऐसी कई घटनाएं घटेंगी जो अप्रत्याशित होंगी और ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं मानव जीवन के लिए बहुत दुखदायी होती हैं, दर्द भरी होती हैं, लेकिन हमने उन सब अप्रत्याशित घटनाओं का बड़ी मेहनत से और बड़े उत्साह से सामना करना है, घबराना नहीं है। 2016 का वर्ष बहुत ही अच्छा वर्ष भी है, क्योंकि इस वर्ष का जो जोड़ है वो 9 है और 9 को आप किसी भी अंक से गुना करें उसका जोड़ हमेशा ही 9 आएगा। 9 को करिए 2 से करिए तो 18, 1 और 8 9 हो जाते हैं, ऐसे 3 से करिए 2 और 7 9 हो जाएंगे 27, 1000 से करिए 2000 से 5000 से। इसलिए हमारे संस्कृति में जो हम माला गिनते हैं उसमें 108 मन के हैं, 108 का जोड़ भी 9 ही होता है। ये ऐसा जोड़ है जो 9 है, सर्वोपरि अंक है और वो सर्वोपरि अंक जीवन को सर्वोपरि पहुंचाने वाला है। मैं आपको थोड़ी सी 6 बातें आपको सिखाता हूँ इस नए वर्ष में। आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में खूब खुशियाँ आएंगी और साथ में ऐसे भी होगा कि आपके यहाँ पैसे की धन की कमी नहीं रहेगी। देखिए अब आप ऐसी मैं आपको 6 बातें बतलाता हूँ। सबसे पहले तो आपका जो शौचालय है हमेशा सूखा रखना चाहिए। अगर वो गीला है तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी आपसे दूर होती जा रही है। दूसरा, आप कोशिश करिए कि आपकी जो भी दक्षिण दिशा है या पश्चिम दिशा है उसमें कोई ना कोई वस्तुएं रखी हों, खाली नहीं होनी चाहिए। अगर वो खाली हो तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। अब आप दूसरा तीसरी बात का ये ध्यान रखिए कि आपके अगर बाथरूम में शौचालय में अगर नल टपक रहा है तो नल टपकता हुआ लक्ष्मी को खाली कर देता है, उसको ठीक करा लीजिए। क्रोध और कलह से बिल्कुल बचना चाहिए। क्रोध से कलह से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही लक्ष्मी आपके पास आती जाएगी। और क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत नीचे गिरा देता है। तो ये 2016 में अगर आप और भी देखिए, लक्ष्मी का जाप करिए, लक्ष्मी मंत्र का जाप करिए, बीज मंत्र का जाप करिए। बीज मंत्र का जाप श्रीं जो है ये लक्ष्मी का मंत्र है, इसका जितना आप जाप करेंगे, श्रीं 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 कहेंगे जितना भी, उतना ही आपके पास आपकी प्रसन्नता और लक्ष्मी भी आपके पास आती रहेगी। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं इस वर्ष में, लेकिन आप केवल इन बातों का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आप हमेशा ही स्ट्रेच करिए। अगर आपकी बॉडी स्ट्रेच नहीं है तो आपकी हड्डियाँ बिल्कुल क्या हो जाएंगी, वो बहुत सख्त हो जाएंगी, कड़ी हो जाएंगी और उसमें दर्द पैदा होगा। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखिए कि स्ट्रेच जरूर होना चाहिए, थोड़ा व्यायाम, थोड़ा योगा, कुछ प्राणायाम हो जाए 1-2। तो हर रोज़ अगर आप 1-2 ऐसी चीज़ें करते रहेंगे इस वर्ष में तो ये वर्ष आपके लिए बिल्कुल मंगलमय हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि ये 2016 का वर्ष आप सभी के लिए, आप सभी पारिवारिक सदस्यों के लिए, आपके रिश्तेदार बंधुओं के लिए, सबके लिए मंगलमय हो और आपके जीवन को खूब से हर्ष से, उल्लास से और प्रसन्नता से लबालब भर दे। यही मेरी मंगल कामना आप सभी के लिए। जय सिद्धार्थ।